ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अपराधी का नाम नहीं लेते हैं, अच्छे लोगों का नाम लेते हैं। इसके लिए कुर्सी तैयार हो रही है इस बार आपकी? तो सर सीधा सीधा हम लोगों को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना, बीजेपी को चुनाव जिताएंगे। क्या है को जिताएंगे भैया? इसलिए जिताएंगे, मोदी जी ने देश को सुरक्षा किया, चीन से लड़ने के लिए सुरक्षा किया। मोदी जी तो नारे के माहिर माने ही जाते हैं, उनके इतने कारनामे हैं कि जो हमें शब्द कम पड़ते हैं। किन के कारनामे? हमारी जो सरकार आज वर्तमान में सरकार है। अतीक भाई का इलाका है? नहीं, किसी का भी इलाका देखिए, किसी का कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ, अभी हम फूलपुर खड़े हैं, जब गुंडा राज हर जगह खत्म ही हो गए तो हम डरे कहाँ हैं किस बात के लिए? रख हौसला, फिर वो मंजर आएगा, समंदर खुद चल तेरे घर आएगा। जी हाँ, चुनाव का मौसम है और तमाम मतदाताओं को ये मालूम है कि 5 साल तक कहीं आसपास दिखाई नहीं देने वाले नेता अब खुद चलकर उनके घर तक आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवा के साथ पहुंच चुका हूँ प्रयागराज जनपद के फूलपुर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। इस वक्त एम फैक्टर का कारवां मौजूद है इलाहाबाद के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, अगर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो फूलपुर, जी हाँ फूलपुर, वैसे तो सामाजिक आर्थिक मैप पे देखेंगे तो फूलपुर कहीं दिखता नहीं, लेकिन अगर राजनीतिक मैप पे फूलपुर को देखेंगे तो अब से नहीं, जब से पहला चुनाव हुआ था जी सन 1952 से ही फूलपुर बहुत ही वीआईपी जगह रहा है। यहाँ से हमारे पहले प्रधानमंत्री तीन बार यहाँ के सांसद रहे, और पता नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है एक और यहाँ से प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन वो पहले यहाँ के सांसद हुए और 15 सालों के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उस वक्त वो कहीं और से सांसद थे जी, हम बात कर रहे हैं वीपी सिंह जी की, वो भी 70 के दशक में यहाँ से एक बार सांसद चुने गए। खैर, फिलहाल अभी विधानसभा का माहौल है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए, खासकर उन मतदाताओं की जिनकी लगातार बात हर मंच से, हर सियासी मंच से की जा रही है, मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है। ये कौन सा इलाका है भैया? ये नीम सराय है, शहर पश्चिमी का। नीम सराय, भैया नाम बताइए। तारिक सईद अज्जू। तो भैया आपने सुना ही क्या माहौल चल रहा है अभी। माहौल एक तरफ है, बस एक तरफ, रेड टोपी, लाल टोपी पे तो रेड अलर्ट है। अलर्ट नहीं, अलर्ट भाजपा के लिए, अलर्ट भाजपा के लिए, रेड अलर्ट नहीं है, अलर्ट भाजपा के लिए, रेड अलर्ट यूपी के लिए नहीं है। वही तो टीस है प्रधानमंत्री जी के। अच्छा, टीस है वो। उनको टीस है, उनको दर्द हो रहा है लाल टोपी से, जबकि उनके अंदर खून लाल ही प्रवाह हो रहा है। अच्छा भैया ये बताइए, आप कह रहे हैं एक तरफा है, आपके इसी फूलपुर से सांसद भी रहे और बड़े ही दमदार नेता माने जाते हैं अतीक अहमद साहब, वो तो वैसी साहब के साथ चले गए। उनके जाने से, वैसी साहब के पास जाने से, वैसी साहब की कोई गिनती उत्तर प्रदेश में नहीं है। अतीक साहब की गिनती रहे, यहाँ सांसद रहे हैं, यहाँ विधायक भी रहे हैं, 6-6 बार विधायक रहे हैं। बार विधायक रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि लड़ाई सीधी है। जो भाजपा के विरोधी है वो समाजवादी के पीछे है, जो भाजपा के पक्ष है वो भाजपा के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि द्विपक्षीय लड़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कोई नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं, बसपा कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, राइट। तो जैसा देखते आए पहले भी हुआ, अभी देखिए ऐसे ही मान रहे थे आप कि हेड ऑन कोलिजन है, 2019 में खेला हो गया उल्टा, तो इस बार क्या लगता है नहीं बटेंगे वोट? देखिए 14 से पूरे देश की जनता 2014 से बेवकूफ बन रही है। 2 करोड़ नौकरी चाहिए, नहीं मिली, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, पकौड़ा तलवा करके रोजगार देने का काम की कहा गया। तो वो भाई तो कह रहे हैं कि देश अभी थोड़ा ना आजाद हुआ है, 70 साल पहले से कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग है जो आजादी में कभी भागी नहीं लिए। इनके नागपुर का जो मुख्यालय है, जिसके इशारे पर सत्ता चलती है, वहाँ तो 50 साल झंडा ही नहीं फहराया गया। तो इस बार 22 में 22 किल, 22 में 22 किल, निश्चित 22 किल, कोई दो राय नहीं है। लोग जो है वो भूले नहीं है जो कोरोना के अंदर मरे थे। ये आपके पीछे इतना बड़ा नारायण स्वरूप अस्पताल है, इसी के अंदर भर्ती कराने के लिए, मैं बगल में रहता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा तमाम पूरे देश के अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में, यही इलाहाबाद के अंदर आपके सिंगरपुर से लेके फापा मऊ तक, जिस तरीके से चुनरी उड़ा उड़ा करके लोगों ने अपनी घर के
लोगों को वहां दफन किया था, पीड़ा के साथ दफन किया था। ये सरकार 22-22 हजार रुपया ले रही, 22-22 हजार इस सरकार के नाक के नीचे 22-22 हजार रुपया लेके लकड़ी दी जा रही थी। आप कह रहे मुस्लिम मतों, भूल गए हैं, कह रहे मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैं जान पूछ कर यहाँ फूलपुर आया हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। एमआईएम वाले ओवैसी साहब, कुछ तो कह रहा हूँ ना, वो यहाँ बहुत दावे ठोक, ओवैसी साहब के ऊपर एक भी मुकदमा बता दीजिए क्यों नहीं होता। गुनाह नहीं करा, गुनाह क्यों नहीं किया, बहुत गुनाह करते हैं वो, तो ललकारते हैं मोदी जी को लगातार। आप एफआईआर करवा दीजिए, गुनाह हम क्यों कर दें। सरकार जिसकी जिसके खिलाफ ललकारते वो एफआईआर करावे ना, मैं क्यों एफआईआर करा दूं। हमारे यहाँ तो लगा देख लीजिए, अभी चुनाव आया है, छापे डालने लगे, अभी सीबीआई आएगी, ईडी आएगी। अगर अतीक भाई की जो बेगम है वो भी घूम रही हो वैसी साहब के साथ, तो वो आएंगे यहाँ अचल फैला के वोट मांगने नहीं देंगे आप लोग? देखिए समय आने दीजिए, अभी बहुत बदलाव आना है, वो भी जा सकती हैं, अभी बहुत बदलाव आना है। मैं क्यों कहूँ कि कौन कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी बहुत बदलाव आ रहा है, चुनाव करीब है, बहुत बदलाव आ रहा है। आपको ऐसा ही लग रहा है भैया? जी बिल्कुल सही, समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? खालिद। तो खालिद भाई क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी आएगी? क्योंकि समाजवादी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वोट बर्बाद करने से क्या फायदा है। यही तो करते आए आप पहले से भी? नहीं, हाँ ठीक है, लास्ट टाइम सरकार नहीं आ पाई, बट इस बार तो आनी तय है। तय है बिल्कुल, समाजवादी पार्टी। समाज ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तो पार्टी से मुझे पार्टी वाले लोग चाहिए ही नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो मोदी जी भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी देखिए पिछले एक हफ्ते में 3 बार उत्तर प्रदेश आ गए और फिर आ जाएंगे। हाँ तो अखिलेश जी भी तो उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं, तो उनका तो ज्यादा वो है ना। वो तो कह रहे हैं योगी उपयोगी है। नहीं नहीं, यूपी के लिए योगी उपयोगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी हो सकता है फॉर द टाइम बिंग थे, बट आज के सिनेरियो में सिर्फ अखिलेश जी ही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के। इलाहाबाद वाले तो कह रहे हैं कि इलाहाबाद चमक गया, ऐसा हुआ है क्या? वो कल भी चमका था, आज भी चमका, अखिलेश जी आएंगे तो भी चमकेगा, वो कहने से क्या होता है। तो आपको लग रहा है साइकिल चलेगी? बिल्कुल साइकिल चलेगी, खासकर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो साइकिल ही चलेगी। जी भैया कुछ बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि उपयोगी अनुपयोगी की बात आपने छेड़ी है, तो जो मोदी जी ने नहीं छेड़ी है, मोदी जी की आपके द्वारा छेड़ी गई, क्योंकि आप मीडिया हैं तो आपके द्वारा बातें पहुंचती हैं लोगों तक, तो मोदी जी तो नारे के माहिर माने ही जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर इतने उपयोगी है योगी जी, तो माननीय मोदी जी को क्यों आना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर इतने ही उपयोगी हैं तो योगी जी के पक्ष के लिए, योगी जी के लिए केंद्र का पूरा पिटारा क्यों खुल रहा है? चलिए योगी जी, इधर आओ भैया, इधर आओ, ऐसे आओ। नाम बताओ। अशोक जी है? अशोक जी है। तुम्हारे दादा, आप बताइए भैया, नाम बताइए। सलमान कैसर जी। सलमान कैसर साहब क्या करते हैं, युवा हैं आप तो? जी अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं। कौन सा रोजगार करते हैं? लकड़ी का फर्नीचर वगैरह। जी। तो किसके लिए कुर्सी तैयार हो रही है इस बार आपकी? तो सर सीधा सीधा हम लोगों को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उन्हीं के लिए कुर्सी तैयार कर रहे हैं। जी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रुझान बना लिया है। नहीं लेकिन फूलपुर की जनता तो कह रही है कि ओवैसी साहब चलेंगे। ओवैसी साहब के साथ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, साहब 6 बार के विधायक सांसद सब यहाँ के, वो जरूर अपने दर में एक बढ़िया कद्दावर नेता हैं, लेकिन अब की उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ है। ये बताइए अतीक साहब के कहने से फूलपुर के लोग इधर उधर होंगे क्या? ऐसा मैं मानता तो नहीं हूँ, क्योंकि जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये हत्यारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवानों को नौकरी देने में विफल सरकार है। ये बताइए आप, अगर अतीक साहब की बेगम खड़ी हो जाती है वोट देंगे क्या? हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से नहीं, मेरा सीधा सवाल, देंगे नहीं देंगे? हम सब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अतीक साहब की बेगम भी आई तो नहीं देंगे? हम अपने मत का सही उपयोग करेंगे, हम अपने मत का सही उपयोग करेंगे। हमें लग रहा है कि अखिलेश ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्य है। नहीं नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, हाँ ना में जवाब दीजिए, अगर अतीक साहब की बेगम चुनाव लड़ती है तो? हम सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ही सरकार लानी है। कंफ्यूजन है ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार तो नहीं देंगे ना अतीक साहब की बेगम को? हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार लाने के लिए प्रयास करेंगे, मैं तो यहां की बात और युवाओं को साथ जोड़ेंगे और जोड़ रहे हैं।
कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, खुल के नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश तो चाहिए लेकिन यहाँ खुल नहीं रहे, ये नहीं खुल रहे हैं। भैया इधर आइए, नाम बताइए अपना। नूर आलम जी, क्या करते हैं? वेल्डिंग काम जी, जोड़ते हैं। अखिलेश जी भी जोड़ रहे हैं अभी घूम के सब जगह जी। आप किधर जुड़ेंगे? अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफ्यूजन है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ तो दिमाग, अब क्या, अब तो आ गया टाइम आने, मतदाता तो सही मामला आ गया, टाइम आने दीजिए और थोड़ा सा। अब कितना आने दें, अभी थोड़ा टाइम है। अब तो अमरूद का सीजन भी खत्म होने वाला है, टाइम है, हम बता देंगे सारे पेड़ कट गए सुरेखा अमरूद की, वो पता चल ही जाएगा सब लोग कहाँ वोट पड़ा कहाँ नहीं पड़ा। बता दीजिए ना क्या लग रहा है माहौल, किसका लग रहा है बातचीत? माहौल अभी हम खुद नहीं बता सकते, तो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। इतने लोग हैं उनसे, आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा को उम्मीद तो है, उम्मीद है, आपको लगता क्या कौन आना चाहिए? सपा आना चाहिए। इस वक्त भी हम फूलपुर में ही मौजूद हैं, कुछ और भी लोग हैं। भैया नमस्कार, नाम बताइए अपना। तारिक, संगम नगरी के तारिक साहब, क्या लग रहा है तारिक साहब, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो पारा गर्म होना शुरू हुआ है, अब बहुत सारी टैक्टिक्स सामने आएंगी, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे और ये जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने जितनी भी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल तो उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी किधर जा रही है। तारिक भाई, मैं एक्चुअली यहाँ इसलिए आपसे बात करने आया हूँ कि आप कोई भी सियासी मंच उठा लीजिए, छोटा सा सियासी मंच हो, गली नुक्कड़ की हो, या एक बहुत बड़ा सियासी मंच हो, आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी भाषण हो रहा है तो मामला घूम कर ना मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस पे चला जा रहा है, तो मैं मुसलमानों के मन का हाल जान रहा हूँ, मुसलमानों के मन में क्या है भाई? मेन चीज आप देख ही रहे हैं इन तमाम चीजों को, मेन चीज है शिक्षा। नहीं, आपको क्या लगता है ये चीजें मुद्दा बनेगी क्या? ये मुद्दा होना चाहिए, अगर नहीं बन रहा तो बड़े अफसोस की बात है। शिक्षा रोजगार तो होना चाहिए, ये तो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो सियासत दान करते हैं, एक तरफ से अगर मैं बात करूं अखिलेश यादव की, अगर बात करूं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अचानक अपने मन से जिन्ना की आवाज निकालते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को औरंगजेब याद आ जाता है, तो ये क्या हो रहा है भाई? देखिए, ये जो सिस्टम जो ईजाद हुआ है ये कांग्रेस के जमाने से चल रहा है, कांग्रेस ने जिनका यूज किया, आप कह रहे हैं मुसलमानों का इस्तेमाल करा, नहीं मुसलमानों को डराया और इनका यूज किया, आज वही पार्टी में है भाई। इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की। अभी क्या है इलाके का माहौल? इलाके का माहौल तुम्हारे तरफ तो अभी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं ना, मतलब किनके तरफ रुझान दिख रहा है? रुझान क्या, दोनों तरफ दिख रहा है, अखिलेश की तरफ भी दिख रहा है और योगी जी की तरफ भी, दोनों की तरफ, अखिलेश की तरफ योगी जी की जी। लेकिन यहाँ तो एक तीसरे आ गए जी, यहाँ तो एक तीसरे भी आ गए हैं ना। ये कोई तीसरा भी आ जाए, लेकिन यूपी में जो अक्सर देखा गया है वो वैसी साहब यहाँ पे, हाँ समझ रहे हैं, आपके अतीक भाई उनके साथ चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ माहौल बनाएंगे क्या? माहौल क्या, माहौल जो भी बनाना होगा अपना बनाएंगे, जो भाई किसी के दिल की बात तो कोई जानता नहीं है कि नहीं, लेकिन जो रुझान दिखा, जो हमारे तरफ, जो हमारे कुर्ब जवार के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, मुस्लिम भी हैं नॉन मुस्लिम भी हैं, समझ रहे हैं, सभी लोग हैं, लेकिन उनका जो रुझान है वो ज़्यादातर मुझे समझ में आता है कि अखिलेश जी की तरफ है, लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान ही होना चाहिए। उनकी अपनी सोच है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन अतीक भाई का जलवा तो चलेगा? हाँ, अतीक भाई का जहाँ तक जलवा चलेगा, जहाँ तक फॉलोअर्स हैं उनके, देखेंगे करेंगे। आम मुसलमानों में क्या रहेगा? आम मुसलमानों में क्या, अब जब मुसलमान, जब वोटिंग की बारी आएगी उस वक्त जैसा माहौल रहेगा। अब तो बन गया माहौल, अब नहीं, अभी तो टाइम है, एक दिन में जो है वक्त बदल सकते हैं, टाइम एक दिन में बदल सकते हैं, और क्या। अरे क्या बताएंगे साहब, उनके इतने कारनामे हैं कि जो हमें शब्द कम पड़ते हैं। किनके कारनामे? हमारी जो सरकार आज वर्तमान में सरकार है, अच्छा, इसकी जितनी तारीफ करी जाए तो उतनी ही कम है, उनकी सराहना नहीं करी जाती इनकी तारीफ की। और जो आपने भी फरमाया कि हिंदू मुसलमान, यही तो होता है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसानियत पे। आप भी तो वही करते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, सब वही करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं नहीं, अकेला कोई छोड़ा? अरे नहीं सर, मैं नहीं करता, हाथ से ताली काट। नहीं सर, नहीं मैं नहीं करता, वो कर रहे हैं तो उसमें तो मजबूरी है ना हमारी,
अब आप हमको अच्छा, ये चश्मा आप लगाए ऑपरेशन हुआ या वैसे? जी 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 ऑपरेशन हुआ ही हमारे। मुझे लगा कि अमिताभ भैया की नगरी है। जी 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 नहीं, अमिताभ बच्चन भैया तो मोहताज हैं डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के। मैं सर किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ रब का मोहताज हूँ, जिसको जिसके मोहताज हम आप सब हैं। तो ये बताइए क्या लग रहा है भूलपुर में? मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। अगर ये भी जाग जाए, जागरूक हो जाए और अपने कार्य को बदल दें तो बहुत ही अति उत्तम होगा। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं मुसलमान बीजेपी को नहीं चाहते, ऐसा ही है क्या? जी जी हाँ, मुसलमान तो नहीं चाहता। क्यों क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता, अगर समझदार बुद्धिमान मुसलमान है तो उसको हमेशा आज नहीं आद से उसको यूज एंड आज नहीं आद, आद से, से जब से दुनिया गंगा किनारे सुनिए तब से ये चल रहा है कि हमको यूज एंड थ्रो, हमको यूज करते हैं और हम कहीं भी जाते हैं। ये तो आपको सबने किया ना, कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, यही तो यही तो ये मुद्दा नहीं उड़ाया था। यही तो वैसी साहब कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। सर सुनिए सुनिए, किसी ने ये नहीं कहा था कब्रिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा सर नहीं लाते थे। हमारे जो वर्तमान यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं सिद्धार्थनाथ जी, उन्होंने कहा मंत्री हैं जी जी, अरे होंगे मंत्री, वो अपने घर के, हमारे लिए क्या करना। हम तो आदर शास्त्री की सराहना करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, इज्जत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा इंसान हमारे अगर क्षेत्र का विधायक होता तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासी हिंदू और मुसलमान। चलिए छोड़िए, ये बताइए साइकिल चलेगी, पतंग उड़ेगी या कमल का फूल खिलेगा? देखिए अभी डिसीजन बीजेपी, सुनिए 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 सुनिए, अभी मुसलमान क्या आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं? ये क्यों आप बार बार मुद्दा लाते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ जी। नहीं, ये आपका मुद्दा, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है ना? जी हैं, कुछ हैं और कुछ अलग चीज बोल रहे हैं कि मुसलमान, वो उनका कार है, सुनिए उनका कार है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारा भी एक चेहरा होना चाहिए, ये कहा ना उन्होंने, बस और क्या कहा। इतने में खेल कर देंगे वो? अरे इतने में खेल कर देंगे तो हर इंसान जो फील्ड में उतरता तो खेल करने के लिए उतरता, भले वो फेल हो या पास, ये तो कुदरत की देन है। तो खेल करेंगे? जी जी खेल तो करेंगे, ओवैसी साहब खेल करेंगे। जी जी 100% खेला होगा ओवैसी साहब, कर देंगे। जी जी क्यों नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर फ्रंट पे कुछ नहीं खाएंगे तो खाने नहीं देंगे। आपने कहा खेला होगा, बंगाल में तो एकदम खुश हो गए। सुनिए सुनिए सुनिए, वो अपने बस भर वो अपना काम करेंगे और देना ना देना उस तो उसके बारे में तो सब कहता है कि बीजेपी के एजेंट है। हाँ लोग कहते हैं बीजेपी, हाँ वो भी तो कहते हैं कि बीजेपी को जवाब देने वाला अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है, भी तो कहता है, इसको आपने नहीं बताया? नहीं तो सब कहते हैं ना, सारे पार्टियों वाले सपा वाले कहते हैं कि तो एजेंट है जी बीजेपी के, उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। नहीं है जी, खेला कर सकते हैं वो? जी जी खेला तो करेंगे, खेला वैसे सब कर सकते जी, हैं खेला जी, क्यों नहीं करेंगे। इस वक्त हम फूलपुर के तिराहे पे मौजूद हैं। जी हाँ, वही फूलपुर जहाँ से कभी पंडित नेहरू चुनकर संसद पहुंचते थे। खैर हम यहाँ मौजूद है ये समझने के लिए कि आखिर इस फूलपुर इलाके में मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। ये इलाका इसलिए भी गर्म है सियासत की दृष्टि से क्योंकि यहाँ से एक बार MIM भी हुंकार भरना चाहती है। जी हाँ, अतीक अहमद साहब का इलाका भी रहा है, 6 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। खैर यहीं के लोगों से पूछते हैं, भाई साहब क्या नाम? निसार अहमद। क्या लग रहा है निसार भाई, माहौल चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पक्का बता रहा हूँ। क्यों? सुशासन रहा है इस सरकार में, योगी जी के सरकार में। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में यूपी में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। निसार भाई को योगी जी अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल अच्छा लग रहे हैं। सुशासन कर रहे हैं, मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए। ये पुरानी बात थी। जब लोगों ने, ये तो नई बात है, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुमराह किया था कि आपका काम है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, और अब मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग निश्चित तौर पर कहीं गुमराह होने वाले नहीं है। लेकिन ये जो प्री सरकार है, जनप्रिय सरकार, एक सेकंड, यहाँ से आपके 6 बार विधायक रहे, अतीक अहमद रहे ना? हाँ 6 बार रहे। अभी वो जिस पार्टी में है उसका नाम जानते हैं? अतीक अहमद क्या हुआ? अतीक अहमद क्या हुआ? ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ ओवैसी का नाम सुना। तो आजकल अतीक भाई तो उन्हीं के साथ है।
अब वो कहाँ जा रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसे है? अरे छह बार यहाँ से जनता, मैंने आपको भाई साहब बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अपराधी का नाम नहीं लेते, अच्छे लोगों का नाम लेते हैं, अच्छे नेताओं का नाम लेते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में लोकप्रिय सरकार है। तो निसार भाई को जी 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 कोई घर बाकी नहीं बचा जहां उन्होंने शौचालय न बनवाया ना। हो क्या नाम है बेटा? कैफ खान। वोट करते हो खान साहब? जी। हाँ जी। इधर देखो कितने उम्र हो गई? 21। तो वोट कर ही रहो, क्या कह रहे हैं ये, कौन कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि करंट गवर्नमेंट में जातिवाद नहीं है, उन्होंने डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो ये नहीं देख रहे कौन पठान है कौन पंडित है, वो सब को एक साथ लेकर चल रहे। आवास आया है तो हर घर में आया, चाहे वो मुसलमान घर हो, चाहे दलित घर हो, चाहे हिंदू घर हो, उनके ये सब नहीं है, हर घर में शौचालय आया है। अरे ये सब कहाँ चलता है चुनाव में? देखिए चुनाव मतलब क्या है, देश का डेवलपमेंट चलता है, देश का डेवलपमेंट मजहब वो तो लोगों ने बना के रखा है। पब्लिक से क्या मतलब, पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए ना, हमें जिससे डेवलपमेंट मिलेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो युवा पीढ़ी को डेवलपमेंट चाहिए जी। हाँ ये सब ये जाति के बच पे ये सब जो चुनाव होती है सब पहले होता था। मंदिर मस्जिद धर्म मजहब जात पात वो तो सब बना के रख के लिए है ना, वो तो चुनाव का मुद्दा बना लिए, जबरदस्ती प्रोपोगंडा चला रहे हैं, बाकी देश को तो डेवलपमेंट चाहिए ना। अच्छा एक ओवैसी साहब है, सुना है नाम उनका, वो कहते हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए। देखिए ये कोई सोच नहीं होनी चाहिए, हम जो हम सबको साथ में लेके चले वो सोच होनी चाहिए, अब वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लोग तो कहते हैं बेटा कि बीजेपी को पसंद नहीं करते मुसलमान, और तुम बात कर रहे हो योगी मोदी की। देखिए हम अपनी बात कर सकते हैं, आपको पसंद है, हमको पसंद। आपको क्या फायदा हो गया, डेवलपमेंट चाहिए आपके लिए, क्या डेवलपमेंट हो गया बताओ, देश का आप बताओ, यहाँ का बताओ, फूलपुर में क्या हुआ? फूलपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, हर घर में हम देखे आवास मिला है, हर घर को आवास मिला है। जो आदमी जो 3,000 दिहाड़ी मजदूरी करता था वो कभी सोच नहीं सकता था कि हम पक्के मकान में रहेंगे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह घर में रह रहा है, घर में रह रहा है। ये युवा पीढ़ी है, ये विकास की बात करती है, लेकिन देखते हैं चुनाव आते आते ये बातें रहेंगी असल मुद्दा बनकर या कुछ और हो जाएगा। भाई साहब क्या नाम है? लियाकत अली। ओहो लियाकत साहब, ठंड लग रही है आपको? हाँ। क्या करते हैं लियाकत भाई? मैं सिलाई काम करता हूँ। सिलाई का? हाँ। कपड़े वगैरह सीता? हाँ। लेडीज टेलर जेंट्स टेलर? जेंट्स। तो शेरवानी तैयार कर दी इस बार? तैयार कर सकते हैं, जब कोई नपाएगा तब तैयार करेंगे। चुनाव में किसका नापेंगे? हम बीजेपी को चुनाव जिताएंगे। क्या है को जिताएंगे भैया? इसलिए जिताएंगे, मोदी जी ने देश को सुरक्षा किया, चीन से लड़ने के लिए सुरक्षा किया, पाकिस्तान से लड़ने के लिए सुरक्षा किया। लोग कह रहे नौकरी है नहीं चीन पाकिस्तान, नौकरी जब देश सुरक्षा रहेगा तब अमन से सोएंगे। कह रहे खाने को है नहीं चीन पाकिस्तान। अरे देश सुरक्षा रहेगा तभी हम घर में सो पाएंगे ना। S-400 ले आए। क्या S-400? S-400। अरे भैया नया मिसाइल S-400। क्या बात भाई, फूलपुर के लोग 500 ले आने वाले हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल ताजा जानकारी, क्या बात कर रहे हैं मोदी जी। आपको S-400 का कैसे पता चला भैया? हम न्यूज रोड 9 चैनल देखते हैं। 9 चैनल देखते हैं? हाँ। तो S-400 है क्या? देश की सुरक्षा के लिए अगर 32 जहाज आएगी तो हम मार के गिरा देंगे। ओ तेरी। अच्छा चलिए, जहाज तो आप मार के गिरा देंगे लियाकत भाई। ये बताइए कोरोना का कहर बड़ा तगड़ा वाला था और फिर आने वाला है। और सुनो मोदी जी, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, बोलने दो। अपना परिवार समझा, अपना परिवार समझा, ऐसा प्रधानमंत्री कभी विश्व में नहीं है जो अपना परिवार समझे। अब मैं बोलू? हाँ बोलो। दुकानदारी कैसी चली कोरोना में? जैसे थे मगर पेट चला हमारा। कैसे चला पेट? राशन मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था। तो मतलब फ्री वाले राशन पे आप? फ्री वाले नाम पे नहीं, देश को बचाया है, वैक्सीन भी लगवाया। तो लियाकत भाई को मोदी पसंद है? मोदी पसंद है भाई, डंके के चोट पे। S-400 राफेल कांग्रेस को आज 50 साल पहले करना था। अतीक भाई का इलाका है ये, माफिया का इलाका है अतीक भाई का इलाका। हमको नहीं पसंद है माफिया। नेहरू जी यहाँ से सांसद 3 बार, चाहे जो आए हमको माफिया पसंद नहीं है। अमन से सुकून से रोटी चले, सड़क पे हिफाजत जाए, किसी के छीन के ना ले जाए कोई। डर नहीं लग रहा ये कहने में? अरे हमें कुछ डर नहीं, आज मर जाएंगे को मर जाएंगे। अतीक अहमद को आप माफिया कहने डर नहीं लग रहा है? नहीं डर रहा है, मरना तो ही है, जो डर गया वो मर गया।
अरे फूलपुर में खड़े हैं। अरे फूलपुर में खड़े हैं, हिंदुस्तान में हम खड़े हैं। डर डर लग रहा है? नहीं सर, एक नहीं डर लग रहा, धड़कन तेज हो रही है। नहीं धड़कन हमारी तेज नहीं हो रही है। नहीं धड़कन तेज हो रही है, नहीं नहीं हो रही है, नहीं डर नहीं लग रहा। नहीं डर रहा, मतलब फ्री का राशन दिया तो? फ्री का राशन नहीं, अमन सुकून है बीजेपी सरकार में। पता नहीं भैया क्या क्या कह रहे हैं कि S-400 इधर आइए भैया, नाम बताओ यार। नाम है इत्साम अंसारी। हाँ इत्साम अंसारी। कौन सा अंसारी? इत्साम अंसारी। क्या कह रहे हैं S-400 S-500 क्या कह रहे हैं सर? इधर देखो हाँ। तो आप हमसे पूछिए बस। आपसे पूछें क्या करते हो? सर पढ़ाई करते हैं। इधर आओ ना, इधर देखो सामने, चेहरे पे नूर आएगा जब ऐसे। हाँ पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं जी। तो अब तो भैया टीचर वाली नौकरी भी चाहिए जी। बिल्कुल हाँ। टीईटी का चलो पेपर लीक हो गया। हाँ टीईटी का पेपर लीक हो गया था। तब कैसे टीचर बनेंगे सर? कार्रवाई भी हुआ ना जो जिन्होंने पेपर। अरे कार्रवाई होने से क्या हुआ? जो पढ़ के गया बेचारा घर में बैठा। योगी जी तो पेपर थोड़ी लीक कराया सर। तो कौन देखे, कौन देखेगा इस चीज को भाई? देखे ना वो जो जिन्होंने आपका पहरेदारी आप ही करेंगे ना? बात हमारी सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जिन्होंने अगर ये पेपर लीक कराया है उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है ना। उनका घर मतलब बुलडोजर भी चढ़ा और काफी। लेकिन पेपर लीक हुआ क्यों सर? अब कोई भी गलत काम अगर करेगा तो अब सरकार उसको थोड़ी रोक पाएगी। आओ भैया, क्या नाम हो? मोहम्मद हारून अंसारी। अरे हारून साहब क्या करते हैं जी? दुकान है अपना, बिजनेस है उसका। कौन सा दुकान है? लकड़ी की दुकान है और मतलब फर्नीचर वगैरह जैसे होता है लकड़ी का। क्या सब बनाते हैं वहाँ पे? मतलब बहुत सारे मतलब लकड़ी की जो भी चीजें होती है सब है। जो भी होती है सिंहासन विंहासन सब है ना। हाँ कुर्सी में से ये तो इस बार किसकी कुर्सी तैयार कर रहे हो यार लखनऊ के लिए? यही जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। योगी कौन है? योगी जी का झूठ बात बोल रहे हैं आप? इतना डर कह रहे हैं उनसे? जब कोई योगी जी का नाम लेता है आप ऐसे डर जाते हैं? अरे यार लोग कहते हैं मुसलमान वोटे नहीं देता योगी जी को। तुम योगी जी कहाँ खड़े हो? फूलपुर में तो क्या हुआ? हमारा ये घर गांव है। डर वर नहीं लग रहा तुमको? हमको काहे डर लगेगा? हमको काहे डर लगेगा? इस राज्य में जब गुंडा राज सब खत्म ही हो गया तो डर काहे लगेगा? अतीक भाई का इलाका है। अतीक भाई का इलाका है। नहीं किसी का भी इलाका देखिए किसी का कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ अभी हम फूलपुर खड़े हैं, जब गुंडा राज हर जगह खत्म ही हो गया तो हम डरे काहे किस बात के लिए? हम हर जगह सीनातान खड़े हो सकते हैं अब ना पूरे राज्य में। क्या नाम बताया फिर से बताओ? मोहम्मद हारून अंसारी। मोहम्मद हारून अंसारी सीनातान हो जरा दिखाओ। अरे सीना तो चौड़ा ही अब जितना है उतना फैलाए हैं, अब क्या पूरा फाड़ दें क्या? उसकी बारी आएगी फाड़ भी देंगे। तो तुम्हें भी भैया वही पसंद है योगी जी? अब पसंद है तभी तो उनके बारे में बोल रहे हैं, नहीं तो हम काहे जिक्र करते बताइए आपसे। देखो भैया मंदिर मस्जिद का बात होता है सब। नहीं तो जो होता है जो चीज देखिए कानून के विरुद्ध है वो काम उसी के लिए बात होती है। और जो ईमानदारी से बताओ कि क्यों पसंद है? क्यों पसंद है हा? अरे इतने सारे योजनाएं उन्होंने दिया, हमें क्या मिला ये बताओ? हमें क्या मिला? हमें एक अच्छे मुख्यमंत्री मिला और हमारे यहाँ पे अभी आप देख लीजिए निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे फ्लाईओवर बनवा दिया है, कितनी कितनी जाम लगती थी यहाँ, कितने कितने लोगों की मौत हो जाती थी इसकी वजह से। और यहाँ पे इंटर कॉलेज अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इंटर कॉलेज बन रहा है हमारे क्षेत्र में, इतनी बड़ी बड़ी निर्माण हो रही है और किसी ने कुछ। एक इंसान को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छी योजनाएं दे, हमारे अच्छे के लिए सोचे। चलिए तो आप हमारे साथ आज के एपिसोड में फूलपुर के हर गली हर नुक्कड़ पे गए और वहाँ हमने लोगों की राय जानी, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जिस्म क्या है रूह में घुसकर खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए।